आज की इस वीडियो में बात करूंगा HLE इन्वर्टर में AC आउटपुट 2 वो कैसे काम करती है और उसका क्या फायदा है। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, आज अगस्त की 2 तारीख है, तो इस वक्त सोलर से 894 वॉट्स आ रहे हैं और 881 वॉट लोड है और बैटरी का कंडीशन जो है वो 95% चार्ज है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बैटरी 26.1 पर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड पे जो चेंज ओवर है जिस पे सोलर 2 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर 205 वोल्ट और 3 एम्पेयर या 3.3 एम्पेयर शोर है, ये AC आउटपुट 2 को शो कर रहा है। तो मैं इस काम को आसान करने के लिए सोलर और वापडा दोनों को बंद कर दूँगा। तो ये ब्रेकर जो है सोलर का है, सबसे पहले हम इसे बंद करते हैं और उसके बाद हम वापडा को भी बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो 26.25 हुआ, तो ये बंद हो गया। अभी इसको हम सिर्फ सोलर को हम दोबारा से ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 25.5 है चार्जिंग स्टेटस पे, सबसे नीचे अगर आप देखें तो जो 26.1 हुआ, ये दोबारा से पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो ये था मुख्तसर सा रिव्यू अबाउट AC आउटपुट 2 फंक्शन इन HLE इन्वर्टर 3 किलोवाट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त बैटरी की सेटिंग क्या है। तो इसके लिए हम बैटरी को क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा यूज़र मोड पे। इसमें 3 मोड आप देख सकते हैं, AGM, फ्लडेड और यूज़र। अगर आप यूज़र पे करेंगे तो आप हर चीज़ इसके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे ऊपर है ये इसकी कट ऑफ वोल्टेज है और उसके बाद बैटरी रीड चार्ज वोल्ट सेटिंग है जो कि 24.5 पे सेट है। ये वो सेटिंग है कि जो बैकअप मोड में AC2 को कट ऑफ कर देती है और बैटरी रीडिस्चार्ज वोल्ट वो सेटिंग है जो जब बैटरी दोबारा चार्ज हो रही होती है सोलर से या वापडा से, तो जब इस लेवल पे पहुंचती है तो AC आउटपुट 2 को दोबारा से बहाल कर देती है। तो इसको आप चैन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको लेट्स से मैं इसको 25.5 करता हूँ और यहाँ से आपने, तब आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेटिंग 25.5 है, लेकिन जो री डिस्चार्ज वो भी 25.5 है, तो इसे हमें थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसको हम 26 सेट कर लेते हैं। अब हमारी जो बैटरी की सेटिंग में ये स्टेटस है कि 25.5 पे AC2 की आउटपुट बंद हो जाएगी और 26 पे दोबारा से उसको पावर सप्लाई मिल जाएगी। आप देखें तो ये था मेरे दोस्तों टेस्ला HLE 3 किलोवाट इन्वर्टर का मुख्तसर सा रिव्यू, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि AC आउटपुट 2 को कैसे एडजस्ट किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। मज़ीद क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट्स में लिखें ताकि मैं इसके बारे में आपको मज़ीद आगाही दे सकूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को फ्लो मिल सके और हमारा जो जनरेटर पे इन्हसार वो कम हो सके, क्योंकि जनरेटर्स पोल्यूशन का बायस बनते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।